का बता रहा था आप लोगों को। तो भाई github.com पे ना आप सब लोगों को बनाना है अकाउंट। ये मेरा अकाउंट आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। ये मेरा अकाउंट है आपके सामने, ठीक है। ये रिपोजिटरीज हैं सारी। अच्छा, अब ये जो github.com है ये क्या चीज़ है? ये बंद हो गया, वापस खोल देता हूँ उसको। अब ये github.com जो ये है क्या चीज़, पहले तो ये समझना पड़ेगा। मैं इसमें अकाउंट बनाने आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ, देखो github.com है डेवलपर्स का सोशल मीडिया। डेवलपर जो है ना, जब कोड लिखता है कोई तो वो शेयर करता है यहाँ, ठीक है। अच्छा, जैसे हम आप किसी पार्टी में गए, बर्थडे में गए, आपने वहाँ पे फ़ोटो बनाई, सेल्फी ली, आप कहाँ शेयर करते हैं? इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे शेयर करते हैं। अच्छा, जब डेवलपर कोड लिखता है ना तो वो इंस्टाग्राम फेसबुक पर शेयर नहीं करेगा। वहाँ पे कौन कोड देखने के लिए बैठा हुआ है उसका? इंस्टाग्राम का भी ये सोचे बोले कि यार चलो यार आज फाइनेंस देखते हैं या कोड देखते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम एक ख़ास पर्पस होता है उसको खोलने का, ठीक है, और वो कोडिंग देखना नहीं होता। तो भाई इनके अब ये क्या करें, तो इनके लिए ये अलग प्लेटफॉर्म बनाया गया सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए कि जब भी वो कोई कोड लिखता है और वो बहुत एक्साइटेड होता है उस कोड को लेकर, तो वो फिर उसको यहाँ शेयर करता है, पूरी दुनिया को बताता है कि यार ये मैंने लिखा है कोड। अच्छा, फिर दूसरे लोग क्या करते हैं, उस कोड को देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। अच्छा, लाइक शेयर का नाम इसमें अलग है, जाहिर है वो तो फेसबुक पे लाइक शेयर होता है, यहाँ पे नाम उसका अलग है, वो बताऊँगा मैं आपको क्या नाम है। अच्छा, तो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कॉमेंट करते हैं और उस कोड में मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने किसी का कोड देखा, मैंने उसको कहा कि यार ये जो आपने लाइन लिखी है ना, इसमें इस लाइन की जगह ये लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा, तो मैं उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं मॉडिफाई करूँगा उसको चली जाती है नोटिफिकेशन, फिर जब उसको एक्सेप्ट करेगा ना तो उसके कोड में शामिल हो जाएगा। उसकी कोड की मैं कॉपी बना के उसमें अपने हिसाब से चेंजेस करके दिखा सकता हूँ कि यार ये तुमने कोड लिखा था, मैंने तुम्हारे कोड को लेके ना उसमें ये चेंजेस करके ये बना दिया, देखो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही होती हैं। अच्छा, अब मकसद ये है कि अब क्या करें, हमने तो कोडिंग सीखी नहीं है अभी तक, ना हम कोड को लेके इतने एक्साइटेड हैं कि हम कोड लिखें, शेयर करें और इस तरह के मामला, ये तो जब होंगे ना जब हम सीख जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि github.com अब सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं रहा। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि आपको जब कोई क्लाइंट कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए देता है तो वो क्या करता है, यार तुम लोग पीछे क्यों बैठे हो, यहाँ आगे सीट खाली है ना, आगे आके बैठ जाओ, जो भी अलग से बैठे हुए ना पीछे आगे आ जाओ, इतनी दूर बैठे हुए। वो कोने में भी एक है, थोड़ा इधर उधर हो जाओ। तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि जब कोई क्लाइंट आपको ना एज अ फ्रीलांसर जब आप किसी के लिए काम करते हैं तो जाहिर है वो आपको कोड देगा कि यार ये कोड है इसमें काम करना, वो आपको देता है गिटहब की रिपॉजिटरी। रिपॉजिटरी मतलब जैसे फेसबुक पे पोस्ट होती है इसमें रिपॉजिटरी बोलते हैं, वो आपको गिटहब की देता है रिपॉजिटरी और वो कहता है यार ये आप क्लोन कर लो अपने पास और इसमें काम करना शुरू कर लो, और टिकट्स बना देता है कि यार ये चेंजेस करनी है। अब वो बाई डिफ़ॉल्ट ये अज्यूम कर रहा है कि आप क्योंकि डेवलपर क्लेम कर रहे हैं अपने आप को तो आपको ये आता है, बाई डिफ़ॉल्ट वो समझ रहा है। अगर आपने गलती से भी ये बोल दिया ना कि मुझे तो गिटहब नहीं पता या मुझे गिट नहीं पता, तो आपके डेवलपर होने पे ही सवालिया निशान हो गया, यार ये कौन सा डेवलपर, इसे गिटहब का नहीं पता, ये कौन सा डेवलपर है भाई, ठीक है। तो मतलब आप किसी हेयर ड्रेसर के पास जाएं, वो आपको बोले कि यार मैं सब कुछ कर देता हूँ बस मुझे बाल नहीं काटने आते, सही है, या चलो वो बोले बाल वाल काट दूंगा सब कुछ कर दूंगा मैं, बाकी ये ख़त आप जो है ना वो पड़ोस वाले से बनवा लें, ये मुझे नहीं आता, तो आप क्या कहेंगे उसको? आप कहेंगे भाई हेयर ड्रेसर ही है ना तू, आप पूछेंगे उसे कि हेयर ड्रेसर ही है ना, तो अगर उसको ये नहीं आता तो उसके हेयर ड्रेसर होने पर सवालिया निशान है, ठीक है। अच्छा, और ये फ्रीलांस की भी बात नहीं है सिर्फ, यहाँ पे भी जो जॉब्स कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर जितने भी, आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे जानने वाले, उनसे आप पूछिएगा वो गिटहब की रिपॉजिटरी में काम करते हैं। बॉस सुबह के टाइम आता है, वो आपको देता है यार
ये प्रोजेक्ट आया है इस पर काम करना है, वो गिटहब की रिपोजिटरी है ना, सब पूरी टीम को एक्सेस दे देता है, कहता है सब अपने अपने पास क्लोन कर लो, और वो टिकट्स होते हैं वो सब डिवाइड हो जाते हैं, सब लोग काम करते हैं फिर वापस पुश करते हैं उसमें। तो अगर आप किसी जगह पे जॉब के लिए गए हैं और आपको गिट और गिटहब नहीं आता है तो बड़ी बेइज्जती है, सही है? तो ये आना ज़रूरी है। अच्छा, तो अब करना है क्या है, सबसे पहले तो इस पर बनाना है एक अदद अकाउंट। जैसे ही आप अकाउंट बना लेंगे ना तो इस तरह का आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब हम सीखने जा रहे हैं, देखो गिटहब में काम होता कैसे है। एक रिपोजिटरी बनी, एक रिपोजिटरी बनने के बाद, रिपोजिटरी क्या है, एक प्रोजेक्ट है समझ लो। अच्छा, कैसे बनेगी वो, ये मैं यहाँ पे आया, देखो न्यू का बटन है, यहाँ से भी बन जाती है और ऊपर ये प्लस का बटन है, देख रहे हो ये प्लस लिखा हुआ है, तो ये प्लस से भी बन जाता है। प्लस पे किया मैंने, कहा न्यू रिपोजिटरी, ठीक है, रिपोजिटरी का नाम आया। अच्छा, तो हम आज ये सीखते हैं सबसे पहले कि गिटहब में एक रिपोजिटरी को बनाते कैसे हैं, फिर उसको क्लोन करके अपनी मशीन में कैसे लाते हैं, और उसको चेंजेस करके फिर वापस गिटहब में कैसे भेजते हैं। तो ये इतना गिटहब आपको आ जाएगा कि फिर आपकी बेइज्जती वाली बात नहीं होगी, ठीक है, आप किसी को कह सकते हैं कि मुझे गिट और गिटहब का पता है। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, रिपोजिटरी का कुछ नेम, मैंने कहा माई फर्स्ट रेपो। अच्छा, ये पहले से बना हुआ है, AI चैटबॉट, कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, नाम आपकी मर्ज़ी का होगा। अब किसी नाम से अगर पहली रिपोजिटरी आपने खुद ही बनाई हुई है तो वो नाम नहीं रख सकते, जैसे कि मैंने जब यहाँ पे लिखा था AI माई फर्स्ट रेपो, तो उस नाम से पहले से रिपोजिटरी बनी हुई है मेरे पास, तो इसने मुझे मना कर दिया था, ठीक है, इसने बोला भाई ये माई फर्स्ट रेपो तो आपने पहले से बनाई हुई है, आप कोई और नाम रखो, ठीक है, तो दूसरे वाला सेक्शन है आपके अलावा, उनको पढ़ाते हुए बनाई थी मैंने ये। अच्छा, बाकी कोई भी सेटिंग इसकी चेंज नहीं करनी आपने, बस ये नाम लिखना है, बाई डिफ़ॉल्ट ये पब्लिक होता है, आपने पब्लिक रिपोजिटरी ही बनानी है। आपने देखो बात वही है कि जो भी हम कोड लिखेंगे ना वो शेयर करेंगे, ठीक है, ये जैसे हम ये सीख जाएंगे ना चीज़, उसके बाद आपको जितने भी असाइनमेंट्स दिए जाएंगे वो आप गिटहब में शेयर करेंगे, और ताकि दुनिया देखे कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हम हर वो मौका अख्तियार करेंगे जहाँ पे हम दुनिया को बता सकेंगे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये सब कुछ हो गया, लास्ट में जाके ये क्रिएट रिपोजिटरी का बटन, मैंने जस्ट नाम लिखा है और क्रिएट दबा दिया, हो गया। अच्छा, तो ये रिपोजिटरी ना बन के आ गई आपकी, ये इसका नाम है रिपोजिटरी का, ठीक है, ये पब्लिक लिखा हुआ है कि ये पब्लिक है। अब इस रिपोजिटरी में ना अभी कुछ भी नहीं है, ये एम्प्टी फोल्डर है, एम्प्टी प्रोजेक्ट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी। अब इसको जो है ना उठा के आपने कहाँ लाना है, अपनी मशीन में लाना है, अपने कंप्यूटर में लाना है। तो वो काम हम कैसे करेंगे, वो काम हम ऐसे करेंगे, ये URL देख रहे हो। अच्छा, इसमें भी दो, एक SSH है और एक HTTPS है। ये पहला वाला जो है ना डिफ़ॉल्ट पे जो होता है वो HTTPS होता है, तो यही वाला इस्तेमाल करना है। ये URL मैंने पूरा कर लिया कॉपी, ठीक है, कॉपी, सही है। अच्छा, कॉपी करने के बाद अब मैं आऊँगा अपने कंप्यूटर में, और ये मैं आ गया डेस्कटॉप पे, ठीक है, ये डेस्कटॉप पे आ गया मैं। डेस्कटॉप पे आने के बाद मैं डेस्कटॉप के ऊपर क्या खोलूँगा, टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट, एक ही बात है दोनों। अच्छा, कैसे खोलूँगा मैं कमांड प्रॉम्प्ट, मैं यहाँ पे आया, सॉरी ये मैं शॉर्टकट से खोल दिया मैंने। अच्छा, मैं दोनों का बताता हूँ आपको, लिनक्स और मैक पे थोड़ा अलग है और विंडोज़ पे थोड़ा अलग है, तो पहले मैं लिनक्स और मैक का बता देता हूँ। क्या करना है आपने, आपने खोलना है TER टर्मिनल, ये टर्मिनल खुल गया, उसके बाद आपने करना है CD, डेस्कटॉप पे इसको लाना है ना, CD करके, और आपने CD करके आपने ये डेस्कटॉप जो है ना, कोई ये क्या किया मैंने, डेस्कटॉप ही गायब कर दिया आपने, खैर कहाँ चला गया मैं, हाँ ये रहा डेस्कटॉप, ठीक है, CD लिखा मैंने और डेस्कटॉप को लाके मैंने यहाँ पे ऐसे रखा, तो ये पाथ कॉपी हो जाता है, और उसके बाद मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। आप नोट करें ये किस पे आ गया, डेस्कटॉप पे आ गया। अच्छा, विंडोज़ में ये काम करने का तरीका ये है, जैसे मैं अभी डेस्कटॉप पे मौजूद हूँ, ठीक है, यार मैंने डेस्कटॉप उड़ा दिया यहाँ से, डेस्कटॉप ही उड़ा दिया मैंने, खैर
इसको वापस लाने की कोशिश करते हैं। ज़रा आ गया आ गया आ गया आ गया, सही है, डेस्कटॉप वापस आ गया। अच्छा, तो आप डेस्कटॉप पे जब मौजूद है ना, तो विंडोज़ के अंदर ना एक एड्रेस बार आ रहा होता है ऊपर, ठीक है, जाके यहाँ पे लिखते हैं ना, गूगल इमेजेस में दिखाता हूँ आपको मैं, विंडोज एक्सप्लोरर, हाँ बता रहा हूँ मैं, वही बता रहा हूँ। देखो विंडोज़ में इसी तरह होता है ना कि मैं डेस्कटॉप पे, यहाँ जाके मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया किसी भी फोल्डर में, मैटर नहीं करता वो। उसके बाद ये जो एड्रेस बार है ना आपका, ये वाला, आपने इस जगह पे क्लिक करना है। इस जगह पे आप क्लिक करेंगे, CMD लिख के एंटर करेंगे, तो इस फोल्डर में क्या खुल जाएगा, टर्मिनल। नंबर एक तरीका ये हो गया। नंबर दो, आप आएंगे यहाँ पे खाली जगह पे, और यहाँ पे शिफ्ट को पकड़ के आप होल्ड करेंगे और फिर राइट क्लिक करेंगे आप। जब शिफ्ट को पकड़ के आप राइट क्लिक करेंगे ना, तो आपको एक ऑप्शन आएगा कि ओपन कमांड प्रॉम्प्ट हेयर या ओपन पावर शेल हेयर, इस तरह कोई ना कोई ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो वो आप लिखेंगे तो इसी फोल्डर के अंदर क्या खुल जाएगा, आपके टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट इस फोल्डर में ओपन हो जाएगा। बता रहा था आपको कि विंडोज़ के अंदर टर्मिनल कैसे खुलेगा, सही है, क्योंकि टर्मिनल में आपको चलानी है कमांड। अच्छा, थोड़ा सा मैं रिवाइज भी कर देता हूँ, क्योंकि हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे इधर उधर। हमने अभी तक क्या कर लिया है, github.com में एक रिपोजिटरी बना ली है, और उस रिपोजिटरी को अपनी मशीन में क्लोन करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब डाउनलोड नहीं बोलेंगे इसको, इसकी हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे क्लोन, कि इसको मैं अपनी मशीन में क्लोन करना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो क्लोन करने के लिए मुझे क्या करना है, अपने कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर में जाके, जहाँ पे मैं उसको क्लोन करना चाहता हूँ, वहाँ पे जाके मैं टर्मिनल ओपन करूँगा। टर्मिनल ओपन करने का तरीका है, यहाँ पे आप एड्रेस बार पे क्लिक करेंगे, CMD लिख के एंटर कर देंगे, उससे भी ओपन हो जाएगा और इसी फोल्डर में ओपन होगा। उसके अलावा ये जो फोल्डर में खाली जगह पे ना, शिफ्ट पकड़ के राइट क्लिक करेंगे, ओपन कमांड प्रॉम्प्ट हेयर का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और इसी फोल्डर में होगा, ठीक है। अच्छा, तो मैंने अपने पास ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया था, दोबारा कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे गया मैं, और डेस्कटॉप पे जाके, ठीक है, अच्छा, तो अभी मेरे पास जो ये देखो टर्मिनल खुला हुआ है ना, ये डेस्कटॉप पे खुला हुआ है, मैं डेस्कटॉप पे मौजूद हूँ। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जब खुलता है ना टर्मिनल, इसको मैं बंद करता हूँ ज़रा, तो ये इस पर नहीं खुलता, ये देखो ये कहीं और होता है। अच्छा, मुझे अगर डेस्कटॉप पे जाना है तो उसका क्या तरीका है, CD करूँगा स्पेस डाल के, और ये कोई भी मैंने उठा के यहाँ पे ला के ऐसे कर लिया, देखो, ठीक है, यूज़र मलिक और डेस्कटॉप, एंटर किया, ये मैं डेस्कटॉप पे पहुँच गया। तो मैंने शॉर्टकट सेट किया हुआ, लेकिन ये तरीका है प्रॉपर जो, तो ये लिनक्स और मैक पे ये वाला होगा, विंडोज़ का मैंने आपको अलग से बता दिया। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो URL है ना, इसको जो कॉपी किया था हमने, दोबारा कर लेता हूँ कॉपी में, इसको कॉपी करके मैं बोलूँगा गिट क्लोन, और वो URL पेस्ट कर दूँगा मैं, सही है, मुश्किल तो नहीं है, git गिट स्पेस, उसके बाद क्लोन, उसके बाद स्पेस, और फिर वो पूरा URL और एंटर। अच्छा, तो जैसे ही मैंने ये कमांड चलाई, आप देखिए इसने क्या बोला, क्लोनिंग इनटू दिस फोल्डर, यानी जिस नाम से रिपोजिटरी थी उसी नाम से फोल्डर बना के यहाँ पे क्लोन कर दिया। यू अपीयर टू हैव एन एम्प्टी रिपोजिटरी क्लोन, कह रहा है जो आपने क्लोन की है रिपोजिटरी वो इस वक्त एम्प्टी है। अच्छा, तो ये मेरे पास क्या हुआ, किस नाम से था ये, फर्स्ट रेपो AI चैटबॉट ना, ये मेरे पास फर्स्ट रेपो AI चैटबॉट यहाँ पे शो हो गया, मेरे पास बन के आ गया। लेकिन जब आप ये कमांड चलाएंगे, आपके पास आएगा एरर। एरर क्या बोलेगा आपको, आपको बोलेगा कि गिट इज़ नॉट रिकग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, यानी गिट तो है ही नहीं है, गिट क्या बात कर रहे हो, गिट का मुझे पता नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, गिट को इंस्टॉल करना पड़ेगा ये कमांड में, अगर चलाने में एरर आ रहा है तो, ठीक है। इन मशीनों में तो वैसे गिट हुआ हुआ है, यहाँ की मशीनों में, लेकिन आप जाहिर है घर में जब जाके चलाएंगे तो वो आपको एरर देगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, गूगल पे जाके लिखना है गिट, सिर्फ गिट लिख के एंटर करना है, सही है, सिर्फ गिट लिखा एंटर किया, तो ये जो पहला URL आ रहा है ना, git scm, ये आपने क्लिक करके, और ये डाउनलोड फॉर मैक आ रहा है, आपके पास डाउनलोड फॉर विंडोज़ या डाउनलोड फॉर लिनक्स, जो भी आपकी मशीन है उसके अकॉर्डिंगली आ रहा होगा, क्लिक करना है आपने। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो इसमें तीन चार इसके
बहरहाल अभी तो मैं, मेरे पास पहले से हुआ हुआ है, विंडोज़ पे जो लोग हैं उन वो क्लिक करेंगे ना तो फ़ौरन डाउनलोड हो जाती है फाइल और नेक्स्ट 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 करते हैं इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। मैं मैक पे हूँ तो वो मुझे कह रहा है होम ब्रू से इंस्टॉल कर लो, ठीक है। तो अच्छा, लिनक्स में APT गेट से इंस्टॉल हो गई। आप गूगल, कोई लिनक्स वाला तो नहीं है यहाँ पे भाई दादा? आप हैं। APT गेट से इंस्टॉल करना आती है चीज़ें, तो APT गेट से ना ये इंस्टॉल होता है। जब तुम इसी जाओगे ना यहाँ पे वेबसाइट पे, तो यहाँ पे देखो लिनक्स आ रहा होगा कहीं। अच्छा यहाँ पे आ रहा नहीं है, खैर LINUX लिनक्स। हाँ ये देख रहे हो, ये APT गेट के पूरी इसने कमांड वगैरह बता दी, ठीक है, कि अगर डेबियन पे हो तो APT गेट से कर लो, फेडोरा पे हो तो यम से कर लो, ठीक है। लिनक्स पे जो नहीं है वो इसको इग्नोर करें। और मैक के ऊपर ये होम ब्रू से, कोई मैक वाला है यहाँ पे? मैक वाला तो नहीं है कोई, तो मैक पे ये होम ब्रू से होता है, सही है। विंडोज़ पे तो डायरेक्ट डाउनलोड होगा, क्लिक मारोगे नेक्स्ट 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 करोगे इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अच्छा, इंस्टॉल करने के बाद सम टाइम आपको कंप्यूटर रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, सही है। सम टाइम इंस्टॉल होने के बाद फिर ये शो नहीं करता, तो आप कंप्यूटर रीस्टार्ट करते हैं फिर शो हो जाता है। अच्छा, तो ये उस जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा फिर आप ये कमांड चलाएंगे क्लोन वाली, तो फिर ये क्लोन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम, करना क्या है अगला काम? अगला काम ये करना है कि मुझे इस फोल्डर को किस में ओपन करना है, किसी टेक्स्ट एडिटर में ओपन करना है, ताकि मैं इसमें क्या करूँ, कोई फाइल बनाऊँ। जाहिर है अभी हम काम क्या कर रहे हैं, अभी हम काम ये कर रहे हैं कि हम GitHub में एक रिपॉजिटरी बनाते हैं, और एक रिपॉजिटरी बना के उसको अपनी मशीन में क्लोन कर चुके हैं अभी तक हम। अब हमने क्या करना है कि वो जो प्रोजेक्ट है, वो रिपॉजिटरी है, जो एम्प्टी फोल्डर है, उसके अंदर कुछ कोडिंग लिखनी है। अच्छा, कोडिंग तो सीखी नहीं है अभी, तो टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं, ऐसी फाइल जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ हो जस्ट। तो टेक्स्ट फाइल बना के ना, और उसको वापस GitHub में भेजने की हम कोशिश करते हैं। तो टेक्स्ट फाइल किस पे बनाया जाए, राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं आप, लेकिन उसका प्रॉपर तरीका जो प्रोग्रामिंग में हम यूज़ करते हैं वो टेक्स्ट एडिटर होते हैं। बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर हैं, उनमें सबसे फेमस जो है वो अभी VS कोड है, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। लाइट वेट होने की वजह से लोग उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं आजकल, और भी बहुत सारे हैं। तो VS कोड हम इस क्लास में इस्तेमाल करेंगे। आप अगर पहले से कोई कोड एडिटर यूज़ करते हैं, आपका फेवरेट है, तो आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस क्लास में हम VS कोड इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, VS कोड इंस्टॉल कैसे होगा? गूगल पे गए आप, आपने लिखा VS कोड और एंटर, ठीक है। ये देखो, ये मैंने VS कोड लिखा है और एंटर कर दिया। अच्छा, ये पहला लिंक आ गया, ये पहला लिंक, इस पर क्लिक किया मैंने, ठीक है। डाउनलोड फॉर मैक यूनिवर्सल, आपके पास लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर विंडोज़ या डाउनलोड फॉर लिनक्स, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने क्लिक किया इसके ऊपर और ये नीचे डाउनलोड हो जाता है, मेरे पास क्योंकि पहले से डाउनलोड है, ठीक है। ये देखो डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो मेरे पास क्योंकि पहले से ये डाउनलोडेड है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अच्छा, अब डाउनलोडेड है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा और कोड लिख के ये मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। ये VS कोड मेरे पास ओपन हो गया। अच्छा, लेकिन मैं हम ऐसे ओपन नहीं करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं भाई दादा। चलो मैं पहले ऐसे बता देता हूँ और फिर दूसरा तरीका बता देता हूँ। अच्छा, क्या कर रहा हूँ ये? अच्छा, ये इसमें ना कुछ और खुला हुआ है, कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ मैं, वो खुला हुआ है इस पर। तो मैंने क्या किया, फाइल पे गया, ये मैं फाइल पे गया, ओपन फोल्डर, इस पर क्लिक किया। मुझे हमेशा ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है, कभी भी ये ओपन फाइल नहीं करना है। ओपन फाइल जब आप करेंगे ना, तो कुछ ऑप्शन आपके पास शो नहीं होते, फिर आप कहेंगे यार सर के पास तो ऑप्शन एक्स्ट्रा शो हो रहे थे, मेरे पास क्यों नहीं हो रहे, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो हमेशा ओपन फोल्डर करना है। दिस कोड एडिटर इज़ डिज़ाइन टू बी वर्क विद फोल्डर्स नॉट फाइल्स। जैसे नोट पैड है ना, वो तो फाइल के साथ चलता है, फाइल खोलो फाइल खुलती है बंद हो जाती है, लेकिन दिस टेक्स्ट एडिटर इज़ डिज़ाइन टू बी वर्क विद फोल्डर नॉट अ सिंगल फाइल। तो ये मैंने ओपन फोल्डर जैसे ही किया, तो मुझसे ना इसने बोला कि भाई कौन सा फोल्डर ओपन करना चाहते हो। मैंने कहा डेस्कटॉप पे जाओ, ये डेस्कटॉप पे जाओ, और अभी अभी मैंने जो फोल्डर क्लोन किया ना, ये माई फर्स्ट रेपो AI चैटबॉट, ये कर दो ओपन। इसको मैंने ओपन कर दिया, तो देखो ये फोल्डर यहाँ पे ना खुल के आ गया। अच्छा, इसको खोलने का एक तरीका और भी है। अच्छा, ये दोनों पे सेम है, विंडोज़ पे और मैक पे दोनों पे सेम है ये, ठीक है, जो अब मैं बातें बता रहा हूँ। अच्छा, एक तरीका और क्या है कि मैं जाना CD करूँ, CD करके मैंने कहा कि यार माई फर्स्ट, अच्छा माई फर्स्ट, माई अंडर स्कोर फर्स्ट
ठीक है, थोड़ा सा मैंने नाम लिखा और उसके बाद टैब दबा दिया, और मैं इस फोल्डर के अंदर चला गया। अच्छा, इस फोल्डर के बारे में कुछ मैं बातें बता दूं आपको, ज़रा खोलते हैं इस फोल्डर को, एक नज़र मारते हैं इस फोल्डर पर। ये जो मेरा फोल्डर है ना यार, ये हिडन फाइलें शो क्यों नहीं हो रही इसकी, हाँ शो, ठीक है। अच्छा, इस ये फोल्डर कोई आम फोल्डर नहीं है, दिस फोल्डर इज कॉल्ड रिपोजिटरी, दिस फोल्डर इज मॉनिटर्ड बाई गिट, ये फोल्डर कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जा रहा है, इसको आपके कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया ना गिट, उसके जरिए मॉनिटर हो रहा है। अच्छा, इसकी पहचान ये छोटा सा ना डॉट गिट एक हिडन फोल्डर आपके पास बना हुआ रहा होगा, तो ये जब होगा ना तो आप पहचान जाएंगे ये क्या है, नॉर्मल फोल्डर नहीं है, ये एक रिपोजिटरी है। अच्छा, ये बाई डिफॉल्ट तो नज़र नहीं आता, जब आप हिडन फाइलें शो करेंगे ना व्यू में जाके, शो हिडन फाइल पर चेक लगाएंगे तो फिर आपको ये दिखेगा, ठीक है, ये हिडन फाइल। अच्छा, तो हमने क्या समझ लिया कि ये एक फोल्डर तो आ गया है लेकिन ये एक आम फोल्डर नहीं है, ये गिट की रिपोजिटरी है। अच्छा, वापस बंद किया मैंने। अच्छा, तो यहाँ पे जाके ये मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया सीडी करके, और यहाँ पे आके लिखूँगा मैं कोड स्पेस डॉट, ये देख रहे हो ये कमांड लिखी मैंने, कोड स्पेस डॉट, और एंटर किया। जैसे ही मैं एंटर करूँगा ना तो ये टर्मिनल के ज़रिए मैंने वी एस कोड खोल लिया, ठीक है, ये भी तरीका है। तो मैंने वी एस कोड में इस रिपोजिटरी को ओपन करने के दो तरीके बताए, दोनों सही है, जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। ये करने के बाद अब ये जो टेक्स्ट एडिटर है ना, इसके अंदर देखो ये फोल्डर खुला हुआ है, देखो फोल्डर का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, इस बटन पे क्या लिखा हुआ है, न्यू फाइल, इस पर क्लिक करूँगा मैं तो एक नई फाइल बनाने का ऑप्शन मेरे पास आ गया। मैंने कहा कि भाई टेक्स्ट फाइल डॉट txt, कोई भी फाइल का मैंने नाम रख दिया xyz और उसको मैंने सेव करवा दिया, सही है। मैंने यहाँ पे लिखा सम टेक्स्ट, एक फाइल बना के उसके अंदर थोड़ा सा टेक्स्ट लिख दिया मैंने। अब जाके देखते हैं क्या ये फोल्डर में ये चेंजेस आ चुकी हैं, आ जानी चाहिए असूलन। ये देखो ये फोल्डर में मेरे ना ये टेक्स्ट फाइल भी बन के आ गई, और इस टेक्स्ट फाइल में ये सम टेक्स्ट भी लिखा हुआ आ गया, ठीक है, ये सम टेक्स्ट आ गया। तो ये मैंने कैसे किया, ये मैंने VS Code जो मेरा टेक्स्ट एडिटर था उसके ज़रिए किया। ज़रूरी नहीं है कि आप VS Code के ज़रिए करें, फाइल आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम कोडिंग की क्लास पढ़ने आए हैं तो VS Code एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर है जो आपको कोडिंग लिखने में काफ़ी फैसिलिटेट करता है, काफ़ी आसानियाँ फराहम करता है, ठीक है, जो कि एक नोट पैड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये टेक्स्ट एडिटर हम इसलिए इस्तेमाल, फिलहाल अभी टेक्स्ट एडिटर नहीं भी होता ना तो ये काम इसी तरह आप किसी और से भी कर सकते हो। वेल, ये करने के बाद मैंने क्या करना है, अब मैंने टर्मिनल ओपन करना है, किस में ओपन करना है, इस रिपोजिटरी वाले फोल्डर में। अच्छा, तो वी एस कोड में इसके लिए भी एक शॉर्टकट है, क्या है वो भला, कंट्रोल प्लस बैकटिक, जैसे ही मैंने प्रेस किया तो ये नीचे इसने ना टर्मिनल खोल दिया। अच्छा, ये ऊपर से भी हो जाता है, यहाँ पे भी आप जाके ना ये सेम काम, टर्मिनल और न्यू टर्मिनल, देखें इसके आगे ना इसका ये इसका शॉर्टकट भी बना हुआ रहा है, कंट्रोल प्लस बैकटिक, राइट, ये न्यू टर्मिनल करूँगा तो इससे भी ये खुल जाता है नीचे। तो ये वी एस कोड में एक फैसिलिटी है कि जिस फोल्डर में आप खड़े हैं ना उसी में टर्मिनल यहाँ पे शॉर्टकट से खुल जाता है, ठीक है। तो ये एक और हमने फ़ायदा देख लिया इसका। अब ये टर्मिनल जो खुला है इसके अंदर मैंने क्या कमांड लिखनी है, अब देखो हमने अभी तक क्या कर लिया, एक खाली रिपोजिटरी बनाई है github.com पे, उसको क्लोन किया अपनी मशीन में, क्लोन करने के बाद उस रिपोजिटरी में जो कि एम्प्टी थी उसमें एक फ़ाइल बनाई, थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा उसमें, अब हमने इसको वापस भेजना है। अब वापस भेजने का जो प्रोसेस है ना वो आप समझा रहा हूँ, आपने लिखना है यहाँ पे गेट स्पेस एड स्पेस स्टेरिक, ठीक है, ये कमांड आ गई, आसान है, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, तीन कमांड है टोटल, ये तीन कमांड लिखेंगे ये वापस अपने गिटहब में पुश हो जाएगा, एंटर, ठीक है, कोई एरर का मैसेज नहीं आया, इसका मतलब है सही चल गया। उसके बाद गेट कमिट माइनस एम सम वर्क, अच्छा ये जो कमिट मैं कर रहा हूँ ना इसमें ये क्या चीज़ है ये भी समझा देता हूँ। ये कमिट में मैं ये बता रहा हूँ कि इस दफ़ा जो मैं असल में गिटहब में क्या होता है कि मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, एक फंक्शनैलिटी कंप्लीट होती है मैं उसको कमिट कर देता हूँ, वहाँ पे एक माइलस्टोन गाड़ देता हूँ या वहाँ पे उसका एक वर्जन रिलीज़ कर देता हूँ, इसको आप ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये मैं वो बना रहा हूँ, तो इसमें एक मैसेज लिखना होता है आपको
कि इस दफ़ा में आपने काम क्या किया है, तो वो मैंने मैसेज लिख दिया, मैंने कहा सम वर्क, कुछ काम किया है मैंने, ठीक है, ज़्यादा डिटेल अभी फ़िलहाल के लिए मैंने नहीं लिखी, और इसको मैंने एंटर कर दिया। अच्छा, मेरे पास ये कमांड जब मैंने चलाया तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आया, क्रिएट मॉड और टेक्स फाइल डॉट टी एक्स टी, वन फाइल चेंज, वन इंसर्शन, ठीक है, ये सब लिखा हुआ आ गया सम वर्क, कि भाई ये आपका कमिट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आपके पास आएगा एरर, उस एरर में क्या लिखा हुआ होगा कि गिट कॉन्फिग माइनस माइनस यूज़र नेम माइनस माइनस ईमेल, वो कहेगा आपकी आइडेंटिटी मुझे पता नहीं चल रही है, ठीक है। अच्छा, तो जब ये आएगा ना, तो आपके एरर मैसेज में ही ना उसका हल भी लिखा हुआ होगा, वो मैं आपको अलग से गूगल करके दिखा देता हूँ। गिट माइनस माइनस कॉन्फिग यूज़र नेम, देखो ये ना इस तरह की कमांड, फिर आपको वो एरर मैसेज में ही लिखा आ जाएगा ये कमांड, वो क्योंकि ना पहली दफ़ा जब गिट इंस्टॉल होता है तो क्या होता है, आपको ना यूज़र नेम और ईमेल अपना सेट करना होता है, ठीक है, तो ये पहली दफ़ा होता है, उसके बाद नहीं होता है। तो आपने क्या लिखना है, गिट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूज़र डॉट नेम इक्वल टू मोनालिसा, फिर इसी तरह क्या होगा, गिट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल और आपकी ईमेल, ठीक है। अच्छा, ये कमांड जो मैंने अभी गूगल करके निकाली है ना, ये जब वो एरर का मैसेज एरर आएगा ना जब, तो उस एरर के मैसेज में ही वो दो कमांड लिखी हुई होगी, उस एरर के मैसेज में ही दोनों कमांड लिखी हुई होगी, तो कोई टेंशन की बात नहीं, आपने बस उसी कमांड को कॉपी करके नीचे चलाना है, वो सेट हो जाएगा, ठीक है। और ये सिर्फ एक दफ़ा होगा इंस्टॉलेशन, अगर आपने न्यू इंस्टॉलेशन की है, ठीक है, यहाँ की मशीनों में शायद पहले ज़ाहिर है चल रही हैं, तो यहाँ पे वाले में नहीं आएगा वो। अच्छा, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया गिट एड स्टेरिक और गिट कमिट माइनस एम सम वर्क, कमिट हो गया। उसके बाद मैंने करना है गिट पुश ओरिजिन मेन, ये टोटल तीन कमांड है, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, एंटर। जैसे ही मैंने गिट पुश ओरिजिन मेन किया, इसने क्या बोला, इसने बोला भाई कि ये डन, कंप्लीट हो गया, ठीक है, कुछ इसने बोला 232 बाइट का मैंने डेटा भेजा है गिटहब में और ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह का लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि क्या हुआ है, जो भी चेंजेस आपने की थी वो गिटहब में वापस जाके पुश हो चुकी है, ठीक है। ये तीन कमांड है। अच्छा, ये तीनों कमांड मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ, कहाँ पे भला, air.sysborg.com, ताकि आप उसको, अच्छा सबसे पहले गिट एड स्टेरिक, अच्छा उसके बाद क्या है, गिट कमिट माइनस एम और कोई भी मैसेज, ये मैसेज आपकी मर्ज़ी का हो सकता है, मैंने यहाँ पे सम वर्क लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और नंबर तीन, गिट पुश ओरिजिन मेन, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, टेक्स्ट एडिटर का नाम क्या था, टेक्स्ट एडिटर VS कोड, ये आपने किया। इंस्टॉल गिट, गिट आपने इंस्टॉल करनी है, ठीक है। अच्छा, मेक अकाउंट ऑन github.com, ठीक है, ये मैंने सारी बातें यहाँ पे लिख दी हैं, ये पड़ी रहेगी यहाँ, कोई डिलीट मत कीजिएगा, इसमें से डिलीट भी हो जाते हैं ना, तो आप में से कोई अगर डिलीट नहीं करेगा तो ये पड़ा रहेगा यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ से मैंने सक्सेसफुली इसको क्या कर दिया है, पुश कर दिया है वापस गिटहब में। अच्छा, आगे देखते हैं ज़रा, अब यहाँ पे ये मेरी वो रिपॉजिटरी, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे वो डेटा अगर पहुँच गया तो मुझे नज़र आ जाना चाहिए। रिफ़्रेश किया मैंने, ये मेरी टेक्स्ट फाइल यहाँ पे वापस पहुँच गई, ठीक है। अभी बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये इतना मुश्किल है नहीं, ये जब आप डेली करेंगे ना ये काम, तो फिर आपको ये याद हो जाएगा कोड, जैसे मुझे याद है ऐसे आपको भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम हम क्या करेंगे, डेली करेंगे। अच्छा, आप सबको क्या करना है, ये जो मैंने सारे स्टेप्स करवाए ना, इसको रिपीट करना है, ये अपने हाथ से, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगली क्लास में जब आप वापस आएंगे तो ये आपने ना अपने हाथ से किया हुआ होना चाहिए। गिटहब में अकाउंट आप बनाएंगे, एक एम्प्टी रिपॉजिटरी बनाएंगे, उस एम्प्टी रिपॉजिटरी को क्लोन करेंगे अपनी मशीन में, उसमें कुछ ना कुछ डेटा डालेंगे, टेक्स्ट फाइल, इमेज, वीडियो, जो भी डालना चाहें हम कुछ डालेंगे, उसको वापस गिटहब में पुश करेंगे,
ठीक है, और ये रिपोजिटरी का लिंक फिर मैं देखूंगा क्लास में आपसे, ठीक है।